नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल में अगले टॉपिक की बात करेंगे। लास्ट टर्न में हम लोगों ने द्वितीय क्रियाओं से संबंधित कुछ बातें की थी और इसमें हम लोगों ने विनिर्माण के बारे में पढ़ा था कि विनिर्माण का क्या आशय है। इसमें किसी भी विशेष रूप से जब किसी वस्तु को निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है, वस्तु का उत्पादन किया जाता है और उससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो उस उद्योग को, उस कार्य को हम क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। और इसके बाद फिर अब विनिर्माण के लिए कौन कौन से स्थानिक कारण होते हैं, क्या क्या उसमें प्रभावित करने वाली चीजें होती, इन सब के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। और अब आता है आकार पर आधारित उद्योग। तो अब उद्योगों को हम यहाँ पे अलग अलग श्रेणियों में बांट रहे हैं। तो नंबर एक में आया कुटीर उद्योग, और हम लोगों ने लास्ट टर्न में इसके बारे में पढ़ा था कि घर की चार दीवारी के अंदर ही, घर के ही सदस्यों के द्वारा जो कार्य किया जाता है और आसपास से ही कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है, हाथ से ही बनाया जाता है, बहुत कम मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है औजारों का, जिसमें चटाई, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते, मिट्टी के बर्तन, ये सब चीजें, इसको हम कुटीर उद्योग की श्रेणी में लाते हैं। इसके अलावा आता है छोटे पैमाने पर उद्योग। अब ये छोटे पैमाने के उद्योग क्या है कि घर या घर के बाहर छोटे छोटे कारखानों में कम पूंजी लगाई जाए और कम श्रम लगाया जाए और शक्ति के साधनों का प्रयोग करके छोटे स्तर पर यदि उत्पादन किया जाता है तो हम उसको छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। इन उद्योगों में क्या होता है, मशीनों का कम से कम प्रयोग किया जाता है और 2-4-6 लोगों को रोजगार भी दिए जा सकता है। इसके अलावा जो भारत, चीन, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देश हैं, वहाँ ये छोटे पैमाने के उद्योग का विकास काफी मात्रा में हुआ है। अब आते हैं हम लोग बड़े पैमाने के उद्योग, और बड़े पैमाने का उद्योग का मतलब कि ऐसे उद्योग, इस तरह के उद्योग होने चाहिए जिसमें बड़ी औद्योगिक इकाइयां हो, ज्यादा पूंजी लगी हो, कुशल श्रम वहां पे चाहिए, शक्ति के साधन चाहिए, बड़ी बड़ी नवीन मशीनें चाहिए, परिवहन के आने जाने के, कच्चा माल लाने के, तैयार माल भेजने के साधन चाहिए, आसपास हमें बड़ा मार्केट भी चाहिए, और इस प्रकार व्यापारिक स्तर में उत्पादन जहाँ पे किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग कहते हैं। अब इनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो पहला हो गया आधारभूत उद्योग। अक्सर ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और हमेशा परीक्षा में आ जाता है, आधारभूत उद्योग। अब ये क्या है, वे उद्योग जो महत्वपूर्ण उद्योगों और कृषि को आवश्यक निविष्टियां प्रदान करते हैं, लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, रासायनिक उद्योग, कोयला उद्योग, खनिज तेल उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, ऐसे उद्योग कि बिना जिनके काम नहीं चल सकता, उन चीजों के उद्योग यही आधारभूत उद्योग कहलाएंगे। दूसरा आता है पूंजी वस्त्र उद्योग, और इसमें जो कृषि और उद्योग के लिए मशीनी काम होता है, मशीनों की आवश्यकता होती है, उपकरण की आवश्यकता होती है, उनका उत्पादन किया जाता है, ये क्या कहलाते हैं, पूंजी वस्तु उद्योग कहलाते हैं। इसके अलावा अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, ट्रैक्टर है, ट्रांसफार्मर है, मोटर वाहन है, इससे हम लोग पूंजी बना सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं, धन इकट्ठा कर सकते हैं, खेती के लिए इस्तेमाल करके खेती को अच्छी कर सकते हैं, इसलिए इनको पूंजी वस्तु उद्योग कहते हैं। और फिर आता है मध्यवर्ती वस्तु उद्योग, और इसमें उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जो दूसरे उद्योगों की प्रक्रिया से जुड़ी होती हैं, प्रयुक्त होती हैं। इसके बाद और आगे देखते हैं तो उपभोक्ता वस्तु उद्योग है। अब उपभोक्ता वस्तु उद्योग का मतलब ऐसे उद्योग जिनमें वस्तुओं को उत्पादन करते हैं, चीनी, कागज, वस्त्र, साबुन, घी, ऐसी चीजें जो उपभोक्ताओं के लिए, कस्टमर के लिए, ग्राहकों के लिए उपयोगी होती है, दैनिक उपभोग होता है, वो ऐसे उद्योग उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहलाते हैं। और यदि देखा जाए
कि पिछले कुछ कई वर्षों में ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका है, जापान, पूर्व सोवियत संघ और भारत ऐसे देश हैं जहां पे औद्योगिकरण जब तेजी से बढ़ा तो बड़े पैमाने के उद्योग धंधों का यहाँ पे व्यापार और विकास बहुत तेजी से हो गया। तो इस प्रकार हम लोग ने ये देखा कि जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं ये चार भागों में विभाजित होते हैं, आधारभूत उद्योग, पूंजी वस्तु उद्योग, मध्यवर्ती वस्तु उद्योग और उपभोक्ता वस्तु उद्योग। इसके अलावा छोटे पैमाने के भी उद्योग होते हैं और कुटीर उद्योग होते हैं। तो इस तरह आकार पर आधारित उद्योगों का हम लोगों ने वर्गीकरण पढ़ा और आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके अगले टर्न में हम लोग कुछ और नई चीजें पढ़ेंगे। तब तक इसके नोट्स बना करके आप लोग क्लियर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जब लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे आप, तो इसके पहले लास्ट टर्नों में जितनी भी चीजें मैंने अलग अलग टॉपिक पे आपको पढ़ाई है, बताई है, उनके वीडियो बनाए हैं, वो सभी वीडियो आपको इसमें उपलब्ध हो जाएंगे प्रारंभ से, शुरुआत से ही। तो आपको उन वीडियो को ढूंढना नहीं पड़ेगा, उन टॉपिकों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए।